वेलकम बैक दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे गेमिंग यूट्यूब चैनल टर्मिनेटर गेमर में। अगर आपको स्टार्टिंग वाली क्लिप्स अच्छी लगी हो तो एक लाइक अपने भाई के लिए छोड़ देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लगे हाथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो बात करते हैं इस गेम प्ले की। ये मैच मैं सोलो खेल रहा था और ज़्यादातर मैं मैचेस सोलो या फिर डुओ ही खेलता हूँ, क्योंकि भाई स्क्वाड का हमारा कॉर्पोरेशन बहुत ही कम है, जिसकी वजह से गेम प्ले निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन स्क्वाड खेलते समय बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं उतरा था कैंप ब्राओ में और मेरे साथ कोई और सोलो यहाँ पे नहीं उतरा था, तो मैंने आराम से लूट की। और इस मैच में मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ कि भाई अपनी M416 इस्तेमाल ना करके मैं QBZ इस्तेमाल करूँगा, और गायरोस्कोप को भी इस मैच में मैंने नहीं यूज़ किया है। तो चलिए अब बस टर्मिनेट मोड को ऑन कर देते हैं और आप सब तैयार हो जाइए QBZ से होने वाली तबाही देखने के लिए। जैसे ही यहाँ पर आया मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ आई, मैं कवर में आ गया और इसको कर दिया QBZ से टर्मिनेट। सोलो खेलते समय आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और वो ये बात है कि हमेशा अपने सिर को बचा के रखना, क्योंकि भाई सोलो में बंदे ज़्यादातर स्नाइपिंग ही करना पसंद करते हैं। एक गोली सिर पे पड़ी नहीं कि आप पहुंच जाओगे सीधा लॉबी में, और सोलो में ना ही कोई रिवाइव का चांस होता है। अब सामने से भी गन शॉट के साउंड आ रहे थे और नीचे से भी, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज था कि पहले कहाँ जाऊँ। हायर ग्राउंड का बेनिफिट होने के कारण मैंने पहले नीचे जाने को पसंद किया, लेकिन जैसे ही नीचे गया मुझे वहाँ पे कोई स्पॉट नहीं हुआ और ऊपर से लगातार गोलियों की बारिश हो रही थी। ऊपर आया और मुझे एक बंदा स्पॉट हो भी जाता है, अब ये यहाँ पे प्रोन क्यों हुआ मुझे नहीं पता, जिसका इसे परिणाम भुगतना पड़ा। जैसे ही नीचे जाने वाला था भाई पीछे से पड़ी SKS। अब यहाँ पे एक भाई साहब गाड़ी घुमा घुमा के मुझे बहुत इरिटेट कर रहे थे, तो सबसे पहले अब उन्हें टर्मिनेट करते हैं। और फाइनली इन्हें टर्मिनेट कर दिया। जैसे ही उठा मुझे किसी के भागने की आवाज आई, भागते समय हमेशा एक चीज याद रखना, या तो जंप करते करते भागो या फिर जिगजैग मोशन में। फिर मैं यहाँ आया, खिड़की से देखा तो एक बंदा भाग रहा था और इसे हम Kar98 से ही मारेंगे। यहाँ पे एक मिस, ये गोली तो बंदे से बहुत ही दूर थी। और फाइनली एक कमाल का हेडशॉट। इसी बात पर एक लाइक भाई के लिए छोड़ देना और एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लगे हाथ बेल आइकन को भी दबा देना। यहां पर आने के बाद मुझे किसी की भागने की आवाज आई, QBZ गन M416 से टक्कर देने वाली गन तो है। जोरदार फाइट चल रही थी तो मैं यहाँ पे आया और देखना यहाँ पे मेरे साथ क्या होता है। यहाँ पे मैं गन चेंज करना चाहता था लेकिन गलती से मैंने गन को पीछे रख दिया और तब तक एनिमी ने स्पॉट भी कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे एक ग्रेनेड किया और तभी एक जोन बन गया, और उसको तो भाई जोन इन करना ही था, तो मुझे पक्का पता था उसे सामने आना ही है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रोटेशन लिया, एंगल चेंज किया, लेकिन बंदा वही का वही था। जैसे ही मैं जोन इन करने लगा उसने भी जोन इन करना चालू कर दिया। बंदा चालाक तो था क्योंकि इसका ग्रेनेड एग्जैक्टली मेरी पिछली वाली पोजीशन पे आया। फाइनली ये भाई साहब भी हो जाते हैं टर्मिनेट। अब जोन में बचते हैं केवल 3 बंदे और ये सामने वाले भाई साहब ओपन से क्रॉस करने लगे। अब जोन में बचते हैं केवल 2 बंदे और जिन्हें ढूंढना हमेशा की तरह बहुत ही मुश्किल है। एक बात आपको प्रॉमिस करना है, अगर इस मैच में मैं चिकन डिनर निकालता हूँ तो सब्सक्राइब जरूर करोगे, पक्का ना? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जोन बहुत छोटा हो चुका था तो मैंने हमेशा की तरह हायर ग्राउंड को अपना बेनिफिट माना। यहाँ पे पहुँचते ही मुझे किसी की खिसकने की आवाज़ आई, और शानॉक में स्नेक बहुत मिलते हैं तो मैंने यहाँ पे 2 ग्रेनेड किए, वो भी रैंडम। जो कि दोनों के दोनों बिल्कुल वेस्ट गए। यहाँ पे मैं उसे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी सप्रेस फायर का साउंड आया और उसने उस बंदे को फिनिश कर दिया। मुझे एनिमी की पोजीशन अब पता थी।
इस शॉट से बंदा फिनिश क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। ये शॉट भी खाली कैसे गया मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। फाइनली मैंने कार 98 को पीछे रखा और क्यूबीजेड को हाथ में लिया। क्यूबीजेड का डैमेज तो उसे मिला लेकिन बंदा एक बार फिर से कवर में चला गया। फिर हम दोनों एक दूसरे पर ग्रेनेड की बौछार करने लगे। हायर पोजीशन का बेनिफिट मुझे था और एक वीडियो मैं बना चुका हूँ बेनिफिट ऑफ हायर पोजीशन। वीडियो के एंड में आपको एक थंबनेल मिलेगा उसे क्लिक करना और वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पे उसने एक ग्रेनेड किया मेरे पहली वाली पोजीशन पे लेकिन मैं पीछे आ चुका था। जैसे ही उठा एनिमी स्पॉट हुआ, डैमेज मिला। अब जल्दी से फाइट को ख़त्म करते हैं और इसी के साथ मिल चुका है एक ज़बरदस्त चिकन डिनर। अब आपको आपकी प्रॉमिस वाली बात को मानना पड़ेगा, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर। अगर आज का मैच आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक अपने भाई के लिए भी छोड़ देना, कमेंट कर देना। और हाँ, अगर चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई और लगे हाथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। गुड बाय।